वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास दास विगंती ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि राजीव धवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के मामले में यूटर्न ले लिया है। डॉक्टर रामविलास दास विगंती सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के खिलाफ अब नहीं दर्ज कराएंगे मुकदमा। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में निर्णय ना प्रभावित हो इसलिए नहीं दर्ज कराएंगे मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद संत समाज के साथ मिलकर वकील राजीव धवन के खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज कराएंगे। वहीं वेदंती के प्रेस वार्ता के दौरान अयोध्या आए राम के परिसर समाज को वेदंती ने थमाई तलवार। वहीं चारों वंशजों को किया गया सम्मानित। कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों के सामने, न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने उन्होंने संविधान के विपरीत जो कुकृत्य किया है उनके विरोध में FIR दर्ज कराना चाहिए, मैंने निर्णय लिया था। लेकिन संगठनात्मक दृष्टिकोण से बाद में हमारे संगठन के लोगों ने विचार किया कि अभी रामलला के पक्ष में निर्णय आने वाला है, इसलिए खिसियान बिल्ली खंभा नोचे कहावत है। राजीव धवन को पता चल गया है कि रामलला की विजय होगी, इसलिए जानबूझ करके, चूँकि उनको फंडिंग मिलती है कांग्रेस से, सुन्नी बब्बोर से और पाकिस्तानी आतंकवादियों से, वो डर गया है कि यदि मुकदमा में हार गया तो हमारी फंडिंग बंद हो जाएगी। इसके लिए झुझला करके उसने ऐसा कुकृत्य किया है जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद हम जरूर जो कहे हैं उसके अनुसार उनके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। लेकिन निर्णय के बीच में यदि हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो निर्णय प्रभावित हो सकता है, इसलिए निर्णय के बीच में हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे माननीय न्यायाधीशों के ऊपर किसी प्रकार का कोई ठेस पहुंचे। तो ये माना जाएगा रामलला के नक्शा फाड़ने को लेकर संत समाज नाराज है और संत समाज, देखिए मैं बताऊं, केवल संत समाज ही नहीं नाराज हैं, संपूर्ण विश्व के लोग, देश के लोग नाराज हैं। 1,30,00,000,000 की आबादी वाले देश की जनता नाराज है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब नाराज हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का कुकृत्य किसी वकील ने पहली बार ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी किसी जज के सामने किसी ऐतिहासिक नक्शे को फाड़ करके फेंका ना गया हो, ऐसा दृश्य नहीं आता है। इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जैसे ही निर्णय आएगा, निर्णय के बाद हम कुछ न कुछ जरूर जो न्यायोचित होगा उसके अनुसार काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि निर्णय जो आने वाला है वो किस तरीके का निर्णय आएगा? देखिए, निर्णय के दृष्टिकोण से जजों को जो पता चला है कि अयोध्या में बाबर के नाम पर कुछ भी नहीं है। अयोध्या में बाबर के नाम पर न कोई वार्ड है, न कोई मोहल्ला है, न कोई गली है, न कोई गांव है, न कोई थाना है, न कोई...